हेलो, कैसे है मेरे यूट्यूब फैमिली? खुश मिजाज हो ना? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल परी ए टू जेड। आज मैं आपको मच्छी की रेसिपी बता रही हूँ, मतलब मच्छी का सालन बना रही हूँ। सिंपल एकदम, इसमें खोपरा नहीं, कुछ नहीं, सिंपल वाला। ये मैंने रावस मच्छी ली हूँ, जिसमें मिक्स है दूम और मुंडी और पीसीस है। और मैं यहाँ पे ये तीन प्याज ली हूँ, उसको काट के रखा है। दो टमाटर ली हूँ मीडियम साइज़ के। और यहाँ पे मैंने ये ली हूँ कड़ी पत्ता और लहसुन के कलियाँ ली हूँ, राई, जीरा और मिर्ची गरम जो मेरे घर का पिसा हुआ, और कोकम जो मैंने भीगने डाली हो, और हल्दी। बस इतना ही लगता है। अगर आपको खोपरा डालना है तो गीला खोपरा डाल सकते हैं। मैंने पहले बताई हूँ रेसिपी गीले खोपरे की, गोयनीस, जो कि बांगड़ा को मैंने फ्राई करके डाला था। लेकिन आज मैं बांगड़ा को फ्राई नहीं करूँगी, ऐसी सॉरी बांगड़ा बोली मैंने, रावस मच्छी को फ्राई नहीं करूँगी, ऐसी ही डालूँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसको पीसेंगे, टमाटर, प्याज और थोड़ी सी राई डालेंगे इसमें, बहुत टेस्ट अच्छा आता है। जीरा, ये देखिए, थोड़ा करी पत्ता और ये लहसुन की धनिया और थोड़ा नमक डाल के इसको हम अच्छा पेस्ट करेंगे, पेस्ट बनाएंगे इसका। चलिए फिर पीसती हूँ इसको। ये देखिए मैंने पीस ली हूँ, इतना बारीक हमें पीसना है। चलिए फिर मैं तपेला रखती हूँ गैस पे, तपेला रखी और तेल डाली हूँ। अभी मैं ना मतलब मैं तो वैसे रिफाइंड तेल सनफ्लावर का इस्तेमाल करती हूँ, या सफोला, तो मैंने वो डाली हूँ। लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा सा राई का तेल भी डालूँगी, क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आता है मच्छी के सालन में। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत डालिए, क्योंकि मैं आज ज़रा मतलब मैंने सोचा कि मैं तो हमेशा बनाती हूँ और कभी ऐसा भी बनाती हूँ, तो आज उस तरीके का आपको मैं बता रही हूँ। जीरा डालेंगे हम और राई डालेंगे, राई नहीं, कड़ी पत्ता डालेंगे। मसाला डालेंगे, पूरा डालेंगे। अभी हम मिर्ची डालेंगे, जो घर का मसाला है, और हिलाएंगे। अभी हल्दी डालेंगे, और इसे हिलाएंगे। अभी हमें इसे अच्छे से भूनना है, क्योंकि प्याज और टमाटर हमने कच्चे डाले। टमाटर तो डाले तो चल जाएगा, लेकिन प्याज कच्ची डाले रहे, तो हम इसे अच्छे से 5 मिनट तक भूनेंगे। मैंने अच्छे से भुना है और थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा ऐसा ढकेंगे। अभी हम पूरा ढक के इसे रख देंगे स्लो पे, मसाला अच्छे से देखते हैं मसाला अच्छे से हुआ, तेल छोड़ा है क्या। ये देखिए साइड से तेल छोड़ा है। देखते हैं मसाला ये हुआ है क्या, तेल छोड़ा है क्या। साइड से तेल
ये देखिए साइड से तेल आ गया है। देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तो अभी मैं गरम पानी इसमें एक गिलास जितना मैं डालूंगी, क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए ज़्यादा कड़ी, आपको जितना चाहिए उतना। गरम पानी डालना, लेकिन आप कोई भी सालन या ग्रेवी कुछ भी बनाए तो उसमें गरम पानी का इस्तेमाल करो। अभी जोश आएगा तब हम मच्छी डालेंगे। मैं नमक डाल रही हूँ, आपको अपने हिसाब से नमक डालना है। अभी देखो ये उबाल आ रहा है, बॉईल आ रहा है, तो मैं मच्छी डाल रही हूँ। आपको मुंडी डालना है आपकी मर्जी, अगर नहीं खाते तो मत डालिए, क्योंकि हम लोग खाते हैं और इसे मुंडी से ही टेस्ट आता है। कोई भी ग्रेवी में मच्छी की मुंडी से बहुत टेस्ट आता है। इसे हम स्लो पे ढक के रखेंगे 5 मिनट। अभी हम कोकम डालेंगे जो भिगो के रखे हैं। कोकम से मच्छी के सालन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए कितना फाइन दिख रहे है सालन, मुझे तो अभी खाने के लिए दिल बोल रहा है, क्योंकि मच्छी मुझे बहुत पसंद है और मच्छी फ़ायदेमंद भी है। फ़ायदेमंद ऐसे कि इसमें कैल्शियम रहता है, विटामिन्स रहते हैं और फैटनेस नहीं रहता है। अभी हम ढक के रखेंगे इसे। पाँच दस मिनट हो गया है तो मच्छी हो गई होंगी, देखते हैं। वाओ इट्स यम्मी। ये देखिए मच्छी हो गई है। ये देखिए मच्छी हो गई, मच्छी बहुत जल्दी होती है। आप भी सेम ऐसी रेसिपी बनाइए। कभी जो नहीं खाते राई का तेल, वो थोड़ा कभी ऐसा इस्तेमाल करके बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। मैं बनाती हूँ ऐसा, मैं अलग अलग तरह की मच्छी बनाती हूँ, मच्छी के सालन बनाती हूँ, तो उसमें से ये एक है। चलो फिर मैं निकालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये लीजिए रावस मच्छी कड़ी, यमी एंड टेस्टी। इसे आप जवारी की रोटी या गेहूँ की रोटी या चावल के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही यमी है ये। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स भी लिखना और सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।